तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली ऑर्डर हो चुका है, वो भी ईएमआई पे। एंड दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर मैसेज भी देख सकते हैं, हमारा ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। तो हेलो फ्रेंड, मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट्स को ईएमआई पे कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर आपके डेबिट कार्ड में ईएमआई अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप फ्लिपकार्ट से ईएमआई पर कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने लाइव ऑर्डर करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाना होता है, तभी आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास फ्लिपकार्ट का अकाउंट नहीं है और आपको नहीं पता है फ्लिपकार्ट का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, तो दोस्तों मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में दिख जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट को ओपन करने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट्स को बाय करना है आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना है, या फिर आप यहाँ पर कैटेगरी में भी जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली यहाँ पे एक मोबाइल फोन सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने माइक्रोमैक्स का एक मोबाइल यहाँ पे सर्च कर लिया हूँ। दोस्तों मैं इसी वाले फोन को यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, ऑर्डर करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे खुल जाएगा, आप इसको स्क्रॉल करके और भी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दोस्तों आप इसका रेटिंग भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे इसका प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे पैकेजिंग चार्ज भी यहाँ पे लग रहा है 29 रुपये। एंड दोस्तों आप यहाँ पे इसका डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 डे रिप्लेसमेंट, इसमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। एंड दोस्तों और भी इसका ऑफर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑल ऑफर पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ, अगर मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ तो कब तक मेरे घर पर पहुँच जाएगा, वो भी डेट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। दोस्तों और नीचे आने एक बार आप इसका कुछ हाईलाइट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और दोस्तों इसका और भी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑल डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप नीचे भी आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे ऊपर चला जाता हूँ। तो दोस्तों इसे ऑर्डर करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसे ऐड करना चाहते तो यहाँ पे ऐड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, मुझे इसे ऐड नहीं करना है तो सिंपली मैं स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड वाला पेज ओपन हुआ है, फर्स्ट वाला नहीं। अगर दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से पहले भी ऑर्डर किए होंगे और उसमें जो एड्रेस दिए होंगे वही एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। अगर दोस्तों आप किसी दूसरे एड्रेस पर मंगाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके दूसरा एड्रेस ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको चेंज पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है, फिलअप करने के बाद आपको सेव एड्रेस पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों आपके सामने डायरेक्ट यहाँ पे सेकेंड वाला पेज फिर से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों सेकेंड वाला पेज ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना डिटेल्स चेक कर लेना है, आपको अपना एड्रेस चेक कर लेना है कौन सा एड्रेस सेलेक्ट है। उसके बाद दोस्तों आपका कौन सा प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे नीचे आने के बाद आप इसका प्राइस का भी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों सब कुछ चेक करने के बाद आपको करना है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे थर्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा, पेमेंट वाला पेज। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारा यहाँ पे पेमेंट का मेथड आपको देखने को मिल जाएगा, आप जैसे चाहे यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों मुझे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी मिल रहा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सकता हूँ। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर आने के बाद दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे ईएमआई पे ऑर्डर करना है। एंड दोस्तों हो सके ये ऑप्शन आप में शो ना करें, दोस्तों ये ऑप्शन तभी शो करता है जब आप अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट में फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट कर रखे हैं तभी। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है आप अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट में फ्लिपकार्ट पे लेटर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर से बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट है, आप इसे चाहे तो ईएमआई पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद हमें करना है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा, आपको यहाँ पे कितने मंथ का ईएमआई लेना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप जो चाहे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं 3 मंथ का सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इतना पेमेंट यहाँ पे करना होगा हर एक मंथ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 6 मंथ का सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इतना रुपया देना पड़ेगा हर मंथ 6 मंथ तक। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 3 मंथ का ही सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको करना कि यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली ऑर्डर हो चुका है, वो भी ईएमआई पे। एंड दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर मैसेज भी देख सकते हैं, हमारा ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही ईएमआई पे ऑर्डर कर सकते हैं अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट में। तो दोस्तों अगर आपको ऑर्डर का डिटेल्स देखना है तो आपको सिंपली यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, या फिर आप माई ऑर्डर में जाकर चेक कर सकते हैं, और मैं आपको नीचे जाकर यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ईएमआई पे ही ऑर्डर किया हूँ, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास का बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सर्च कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।